आप सभी का जनता गैराज में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब आए दिन देखते होंगे कि हमारे देश में और विदेशों में नए नए स्टार्टअप शुरू होते हैं, तो हमारे बुंदेलखंड के एक बेटे ने, चरखारी के एक बेटे ने एक नया स्टार्टअप किया है, एक नई इलेक्ट्रिक बाइक बनाई है। हमारे साथ मोहित है, हमारे साथ मयंक है, हमारे साथ चमन है। इन सब ने मिलकर और ख़ास तौर पर मोहित जी ने ये बाइक, इलेक्ट्रिक बाइक बनाई है, जो कि बाज़ार में जो कीमत की इलेक्ट्रिक बाइक आती है उससे इसकी लागत जो है बनाने की बहुत कम है, और बाज़ार में भी जब ये उतारेंगे तो और बाइक के कंपैरिजन में इसकी लागत कम रहेगी। सबसे पहले मोहित, बहुत बहुत स्वागत है जनता के राज में आपका, और आप बधाई के पात्र हैं जो आपने ये इलेक्ट्रिक बाइक बनाई है। तो सबसे पहले तो इसके बारे में आउटलाइन, इस गाड़ी के बारे में थोड़ा बता दीजिए। आइडिया कैसे आया, कहाँ से सोचा ऐसा? आइडिया हमें महंगाई की वजह से आया कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, पेट्रोल की दाम भी बढ़ रही थी, इसलिए हमने सोचा कि इलेक्ट्रिक बाइक जब आई तो मार्केट में हमने भी सोचा कि बनाई जाए। लेकिन लेने का सोचा तो 1,30,000 की हीरो वाले दे रहे थे बाइक, तो हमने सोचा कम दाम में सभी को इलेक्ट्रिक बाइक मिले। तो यहाँ चरखारी में ही, और ये देख पाएंगे आप, ये इन लोगों का वर्कशॉप है जो चरखारी में ही स्थित है। इसी वर्कशॉप से निकली ये पैशन प्रो, चूँकि लोगों अभी लगा है, लेकिन ये लोग, मोहित जी ने बताया है कि एक लोगो डिज़ाइंड है इनकी कंपनी का, और इन फ्यूचर ये अपनी कंपनी का लोगो लगा के गाड़ियाँ बेचेंगे। उनके भाई है मयंक जी और उनके मित्र हैं मोहित जी के, चमन जी, इनसे ही बात करते हैं। तो मयंक जी, क्या योगदान रहा है आपका? हमने एक वायरिंग इसमें की है और ये चैन स्पॉकेट बनाया। अच्छा, वायरिंग का काम आपका है, चैन स्पॉकेट थोड़ा करीब से दिखाइएगा, क्योंकि इन्हें ये मार्केट से मिला नहीं। तो हम आपको बताएं कि हमारे इंडिया के लोग और ख़ासतौर पर हमारे बुंदेलखंड के लोग बहुत जुगाड़ू होते हैं, तो ये जुगाड़ से स्पॉकेट बना दिया है। और ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ के लिए दुकान पर निर्भर हों, इनके वर्कशॉप से ही इन्होंने ये बना दिया और ये बाइक खड़ी कर दी यहाँ पर। चमन जी का क्या योगदान है? मोहित, चमन जी का ये योगदान है कि हमें मार्केट दिल्ली के बारे में पता नहीं था। अच्छा, तो दोस्ती का मतलब पूरा फर्ज निभाया है, एक एक चीज़, एक एक दुकानदार, सामान, मतलब सामान खरीदने में पूरी हेल्प की। तो सामान जो है वो चमन जी ने लिखवाया, चमन जी ने सेलेक्ट करवाया। चमन जी, सबसे ज़्यादा मुसीबत किस चीज़ को खरीदने में हुई? कुछ सामानों को ही कुछ आसानी से मिल गया, जैसे कि बैटरी में खरीदने में मुसीबत हुई, दिक्कत हुई, मतलब बैटरी में दुकान काफ़ी नहीं मिल रही थी, तो हम लोगों ने काफ़ी मार्केट आई। कोशिश भी करते होंगे कोई ऐसा मार्केट में जहाँ से सस्ती चीज़ें उपलब्ध हो, वही कोशिश। दुकानदार भी बड़े लूटते होंगे वहाँ के, दुकानदार दिल्ली के बहुत पैसे भी, कलाकार थे, उनने की 500 रुपये जमा कर दो, इसके बाद हम सामान दिखाएंगे, तो ऐसे काफ़ी लोग मिले हमें दिल्ली में। तो चलिए, ये तो आउटलाइन हो गई इस गाड़ी के बारे में, क्योंकि यहाँ पर भी हुजूम लोगों का लगने लगा है, और चरखारी में भी लोग जहाँ भी ये बाइक मोहित जी लेके जाते हैं, इस बाइक के बारे में बताते हैं, तो लोग इसको ड्राइव भी करते हैं, तो हम भी जाते हैं इस गाड़ी पर सफ़र करते हैं। मोहित जी हमारे ड्राइवर होंगे कुछ समय के लिए, और बैठे बैठे इसी गाड़ी पे हम इस गाड़ी के बारे में जानते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए, हम लोग इलेक्ट्रिक बाइक पर सवार हो चुके हैं। बड़ी स्मूथ चलती है ये इलेक्ट्रिक बाइक, और मोहित जी जो है चूँकि हेलमेट लगाए हैं, हो सकता है बाइक में दिक्कत हो, तो अभी हम हेलमेट उतरवा लेते हैं इनसे, स्लो स्लो चलते चूँकि ये आउटर है। मोहित जी, सबसे पहले हम इस बाइक के बारे में तो जान चुके हैं कि पार्ट्स आप दिल्ली से लाए हैं, लेकिन असेंबल करने में क्या क्या दिक्कतें हुई हैं उनके बारे में पहले बताइए। काफ़ी पार्ट में ठिया नहीं आ रहे थे, तो हमने काफ़ी ठिया में बदलाव किया है, क्योंकि चेंजेस ग्लैमर की थी, हमने पैशन प्रो में कन्वर्ट की है, इसलिए बैटरी वाली में भी ठिया बनाने में, तो काफ़ी हमने पार्ट अपनी ही गैरेज पे मॉडिफाई की है, मतलब पार्ट को, इसलिए काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। तब कितना दिन लगा? और हमें 3 से 4 दिन लगे थे बनाने में, लेकिन रात को ही बना रहे थे और दिन को ही बना रहे थे बाइक। अच्छा, मतलब ताकि जल्दी से जल्दी मार्केट में चल सके, हमारा मेन उद्देश्य था कि कम कीमत में बाइक दौड़े हमारी यहाँ। कम कीमत में बाइक दौड़े, तो 3-4 दिन में आपने कंप्लीट कर दी। हाँ, और लेकिन प्लानिंग में तो समय लगा होगा, चूँकि एक ऐसा काम तो है नहीं है कि आज सोचा कल जाके बैठ नहीं, के नहीं। बना दी। प्लानिंग तो हमारी 1 साल से चल रही थी, लेकिन कुछ दिक्कतों का सामने करने के लिए हमारी दिक्कत आ रही थी, इसलिए हम 1 साल के बाद ये बाइक बना पाए हैं। अच्छा, पैसों एक साल पहले सोचा और फिर धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करके करना शुरू किया, और पैसा भी इकट्ठा किया, पैसा भी जोड़ा। हाँ, कैसे? वर्कशॉप में काम करके, पिताजी का हाथ बता के कुछ अपना काम किया, काफ़ी ऐसे पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो उसके साथ काफ़ी कुछ मिल रहा था, जैसे काम के बारे में बताइए, क्या कहाँ से पैसा जुटाया आपने? काम शॉप? हाँ, वर्कशॉप से पैसा जुटाया है हमने। अच्छा, टोटली वर्कशॉप। हाँ, टोटली। तो हम ऑडियंस को बता दें कि जो मोहित जी हैं
उन्होंने अभी 2019 में या 20 में मोहित जी, हाँ 19 में, 2019 में 12th किया है, उसके बाद ITI और ITI अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, नहीं अभी कर रहे हैं, कर रहे हैं, और ITI करने से पहले ही ये बाइक बना दी, बना के दौड़ा दी, अभी हम लोग चरखारी की सड़क पर दौड़ रहे हैं। कमाल का इनिशिएटिव है, जो लोग कहते हैं डींगे मारते हैं यार हमें यहाँ जाना चाहिए, इस कॉलेज में पढ़ना चाहिए, उस कॉलेज में पढ़ना चाहिए, उनको ये हिदायत है कि आप घर पर रह के भी एक बहुत बड़ा स्टार्टअप, बहुत अच्छा स्टार्टअप कर सकते हैं, जो कि मोहित जी ने करके दिखाया। मोहित गियर, हम चाहेंगे थोड़ा रुक के हम लोग बैक गियर भी दिखाएं, बैक गियर डाल के थोड़ा देखते हैं कैसे बैक गियर काम करता है। ये लीजिए, ये बैक गियर है, तो कभी अगर परेशानी हो रही है, गाड़ी बैक नहीं कर पा रहे हैं अगर आप पैरों से, तो ऐसे गाड़ी बैक कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मोहित जी एक बार और एक बार और दिखना है, चलिए एक बार और दिखा देते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये बैक गियर का कमाल है, ये देखिए, ये देखिए, और ये सेल्फ से ही काम करता है, कैसे काम करता है? इसी बटन से, जो हरा बटन लगा हुआ है, इसी को दबाकर एक्सीलेटर को थोड़ी बैक लेंगे तो चलेगा। अच्छा, एक्सीलेटर लेना है? हाँ, एक्सीलेटर लेना पड़ेगा इसको, इससे मतलब तारीख बदल जाती है और बैक में कन्वर्ट हो जाती है, आगे भागने की वजह पीछे भागने लगती है, पीछे भागने लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं मोजी, तो हमें और क्या क्या आपकी बाइक में जो है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या खासियत है आपकी बाइक में? खासियत यही है कि मतलब ये 14 रुपये में 80 किलोमीटर का एवरेज दे रही है। 14 रुपये में 80 किलोमीटर का, मतलब सरकार ने जो है वो भाव बढ़ा दिए हैं पेट्रोल के, उसी के लिए हमने अकॉर्डिंग हम लोग 14 रुपये में 80 किलोमीटर जा सकते हैं। और बाइक का क्या है, जैसे हम बात करें पेट्रोल बाइक की, उसमें कितना 80 किलोमीटर जाना है? नहीं, 100-150 रुपये खर्च करने पड़ेंगे तब 150 या 150, मतलब लगभग 10-11 गुना जो कॉस्ट है, साइड में कर लीजिएगा, 10-11 गुना कॉस्ट कम करती है ये इलेक्ट्रिक बाइक है, और जो चरखारी में ही बनी है, और ना कोई आवाज़ है, मतलब बिना आवाज़ की चल रही है, बिना आवाज़ के ये गाड़ी चलती है, और साथ में जो बैक मिरर भी छोटे छोटे दिए हैं, इन्हें सेट भी कर सकते हैं, साइड भी कर सकते हैं, भी सकते हैं कमाल। और इंडिकेटर आपने बताया था, इंडिकेटर भी हमने अपाची की लगाई हुई है इसमें, इंडिकेटर अपाची के लगे हुए हैं। और क्या क्या खासियत है इस बाइक की? और ख़ास बात यह है कि ये इसमें गियर एयर की कोई दिक्कत नहीं है, कि लोकल में अपन चल रहे हैं या गियर की प्रॉब्लम हो, गाड़ी बंद हो जाए, इसमें बंद होने की कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से कम्फर्टेबल बजट लोकल में चल सकते हैं इस बाइक, लोकल में आराम से इस बाइक ले जा सकते हैं। हाँ, बात करते हैं मार्केट में जो और भी इलेक्ट्रिक बाइक से मोहित जी, तो उन इलेक्ट्रिक बाइक का इससे कंपेयर करें, पहले तुलना कर दीजिएगा, मान लो पहले हम बात करें लागत की, बात करें तो लागत में इसमें और उस जो बाइक में कितना अंतर? मार्केट में नई बाइक आ रही है वो 130,000 या 99,000 की आ रही है। अच्छा, और जो 30,000 या 99,000 मिनिमम 99,000 खर्च करना पड़ेगा तब जाके बाइक ले पाएंगे। अच्छा, इसलिए हमने ये 50,000 में बाइक तैयार है। और मार्केट में जैसे अगर आपका उतारने का इरादा हुआ, किसी को बाइक खरीदनी है, कितने में बेचेंगे आप? 85,000 में मतलब बेचेंगे ऐसे, 85,000 मतलब मार्केट रेट से थोड़ा कम, मतलब कम रहे और कम रहेगा, और मतलब काफ़ी हमें सामान भी आगे जाके कम पैसों में मिला, तो हम और कम रेट करेंगे, 60,000 बल्क में लेंगे। हाँ, कॉस्ट भी कम आएगी, कम आएगी, बेचना भी कम में बेच पाएंगे। चलिए कॉस्ट की बात हो गई, दूसरी बात, दूसरी बाइक में बैक गियर नहीं होता है, आपकी में बैक गियर है, जैसे और क्या खासियत है आप कुछ कहने वाले थे, पहले बात कम्प्लीट करिए। जैसे कि आगे जाके अपन कोई जगह खड़ी कर देते हैं रोड से पार्किंग में, तो फिर दिक्कत होती है कि बैक या रोड पे नहीं चढ़ रही है, तो इसको आराम से चढ़ा सकते हैं बैक करके। अच्छा, अगर बैक गियर का कमाल हो गया। तो टंकी जैसे दिख रही है, टंकी का कोई यूज़ तो है? यूज नहीं है, सिर्फ देखने के लिए लगी हुई है, मतलब ख़राब ना लगे अपनी बाइक देखने में किसी मार्केट बाइक से। कि अब क्या क्या दिखते हैं आपको, जैसे अगर आपने एक बाइक बना चुके हैं, मॉडल आपका तैयार है, तो अब क्या अप्रोच करेंगे, आपको क्या मदद मिले? पहले तो बात तो मतलब कुछ पैसों की मदद मिले, और दूसरा कि हमें लाइसेंस दिया जाए कि हम पुरानी बाइकों को नंबर दे सके, मतलब रजिस्ट्रेशन जरूरी है, कोई नई चीज़ें डेवलप करवा लें। हाँ, तो मतलब नंबर देने की सुविधा हो हमें। आपने लीगल प्रोसेस का पता किया है, कैसे हम कर सकते हैं रजिस्टर, कैसे करवा सकते हैं अपनी कंपनी को? अभी हमने पता नहीं किया, अभी हमने काफ़ी बनाई है उसके बारे में पता करिएगा। हाँ, और बहुत सारे जैसे महिंद्रा जी हैं, हाँ, आनंद महिंद्रा जी, जो नए स्टार्टअप होते हैं,
उनमें वो मदद करते हैं नए स्टार्टअप में। हाँ, तो आनंद महिंद्रा जी हो सकता है उन तक आपका ये वीडियो पहुंचे, उनसे क्या अपील है आपकी, महिंद्रा जी से क्या अपील करते हैं? हमारी ये अपील है कि कुछ हमें मदद दें और इसको बाइक को और आगे ले जाने में मतलब मदद करें। चलिए, तो ऑडियंस से भी हमारी अपील है ऑडियंस से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मोहित जी हमारे बुंदेलखंड से हैं, हमारी चरखारी के बेटे हैं और अपने ही वर्कशॉप में रहकर इन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है। और इनके भाई हैं मयंक जी का और इनके मित्र चमन जी का लगातार सहयोग रहा है। तो हम बुंदेलखंड के कश्मीर कहे जाने वाले चरखारी में हमारे बाएं हाथ की तरफ आपको खूबसूरत पहाड़ दिखेंगे और हमारे आगे जो ड्राइवर की सीट पर हैं वो एक कमाल के भविष्य में बिजनेसमैन होने वाले हैं और कमाल का दिमाग इन्होंने पाया है। एक नई इलेक्ट्रिक बाइक इन्होंने घर पे बैठे ईजाद कर दी है। मयंक जी, क्या लगता है आपको, अगर फंड मिलता है तो आपका स्टार्टअप कहाँ तक जाएगा? आगे बनाएंगे अगर मिलता है कुछ, आगे अगर फंडिंग मिलती है तो वर्क में काम की। हाँ, ये फिर हम यही बाइक का गैरेज डालेंगे आगे जाके, अभी हमने प्लॉट रखा है यहाँ पे, तो ई रिक्शा लिथियम आयन पे दे रहे हैं कि चेंचेस की गारंटी के मतलब ये गलेगी नहीं और काफ़ी बैकअप भी ज़्यादा देंगे। बैटरी होती है तो गल जाती है। अच्छा, ई रिक्शा जो होता है या ई जो इलेक्ट्रॉनिक बाइक होते हैं उनमें भी ऐसा होता है? हाँ। अच्छा, लिथियम बैटरी का यूज़ नहीं होता है उसमें? नहीं। तो चलिए, उम्मीद है हमें कि मोहित जी की खेप बहुत ऊंचाई तक जाएगी और ये भी उम्मीद है कि हमारे देश में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए स्टार्टअप को फंड करते हैं और इस स्टार्टअप को भी फंड करेंगे। साथ में जो पॉलिटिशियन हैं उनसे भी अपील है कि जितना हो सके अपने बुंदेलखंड के इस बेटे के लिए आप आगे आएँ। अगर आप मदद नहीं कर सकते हैं तो हाथ बढ़ाइए, इन्हें वहाँ तक पहुँचाइए कि फ़ंड मिल सके। और इनकी ये बाइक लगातार केवल चरखारी की सड़कों पर नहीं, पूरे देश की सड़कों पर ये दौड़ सके। मुझे और कुछ कहना है ऑडियंस को, जनता को, नेताओं को, किसी को कुछ कहना है? नहीं, मतलब यही है हमारी कि ज़्यादा से ज़्यादा बाइक सभी लोगों के पास ही हो ताकि आगे जाके प्रदूषण ना हो। बिल्कुल, पर्यावरण खराब ना होना चाहिए, मतलब प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। लोगों को मौका मिलता है तो हम सस्ते दामों में और अच्छी बाइक नहीं खरीद पा रहे, वही उसको किस्तों द्वारा भी देंगे कि वो ले सके ई बाइक ले सके। तो चलिए, प्रदूषण को भी कम करना है तो मोहित जी की इस बाइक को आप लोग प्रमोट करिएगा इस वीडियो को शेयर करके, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।